दोस्तों Redmi के फोन आजकल छाए हुए हैं और फ्लैश सेल के अंदर चाहे आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या खुद भी काफी सारे डिवाइसेस पे जब बुकिंग कराते हैं तो लगभग एक ही सेकंड में सभी फोन हो जाते हैं गायब। ऐसे में काफी सारे लोग परेशान हैं कि Xiaomi का फोन उनको नहीं मिलता है। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं बताऊंगा कुछ फोन जो इन फोन के कंपैरिजन में आपको आप खरीद सकते हैं, Redmi के नोट 5, नोट 5 प्रो या ऐसे अदर जो सीरीज Redmi की चल रही है उनके आप कंपैरिजन में उन फोन को खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम जिस फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं वो है एक तरफ Redmi का नोट 5 और दूसरी तरफ है Honor का 7X। दोस्तों जरूरी नहीं है जो फोन एक एक सेकंड में गायब हो जाते हैं उससे बेटर फोन उसी प्राइस टैग पे अवेलेबल नहीं है, हो सकता है उससे बेटर फोन भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो। आज हम जिन फोन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया MI का नोट 5 और Honor के 7X। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं MI के नोट 5 की। 11,990 का ये मॉडल है। इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर 625 और इसके अंदर मिलती है आपको 4GB की रैम, साथ में आपको मिलती है 64GB की स्टोरेज, 5.99 इंचेस की फुल HD स्क्रीन जो कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर मिलती है। साथ में आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरे में एक LED लाइट भी इसके अंदर आपको मिलती है। साथ में मिलेगी आपको 4000 mAh की बैटरी। तो ये स्पेसिफिकेशन मेन स्पेसिफिकेशन है Redmi Note 5 की। यहीं पर अगर मैं बात करूं Honor के 7X की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 12,990 के मॉडल की। ये लगभग 1000 रुपये महंगा आपको मिलता है, लेकिन कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तो यहाँ पर आपको मिलेगा किरिन का 659 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 2.36 GHz पर चलता है। साथ में आपको मिलता है को प्रोसेसर i5 का जो कि मल्टीटास्किंग में आपकी हेल्प करता है। इसके अंदर आपको मिलेगा 4GB की रैम और साथ में आपको मिलेगी 32GB की स्टोरेज, 5.93 इंचेस की फुल HD स्क्रीन मिलती है। इसके अंदर भी आपको मिलेगा 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो जो कि 1080x2160 के पिक्सल रेशो पे चलता है। दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, तो कैमरा काफी अच्छा है, मतलब ये आपको पोर्ट्रेट मोड हो या बुके इफेक्ट इसके अंदर काफी अच्छे आते हैं। साथ में अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करता हूं तो वो आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल, 3340 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। दोस्तों जहां तक Redmi Note 5 की बात है, इसके अंदर आपको मिलेगा गजब की बिल्ड क्वालिटी और एक कमाल का बैटरी बैकअप, मतलब 4000 mAh के अंदर बैटरी है तो लगभग आप मान लीजिए कि एक दिन अगर आपका हैवी यूज है तब भी ये निकाल देगी, लेकिन अगर आपका एवरेज यूज है तो मान लीजिए आप दो दिन तो बड़े आराम से निकाल देंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉन्स की तो इसके अंदर काफी एवरेज कैमरा है, कैमरे से शायद आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे और जो LED फ्लैश है मैंने एक दूसरे वीडियो के अंदर आपने बताया है कि वो लगभग इतना काम नहीं करती है और कुछ खास पिक्चर्स इससे आपको नहीं मिल पाएगी, तो कैमरा काफी एवरेज है इसका। दूसरा इसके अंदर आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि अगर आप एक सिम अगर लगाते हैं तो फिर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, अदरवाइज दो सिम अगर आप लगाते हैं तो साथ में फिर आप मेमोरी कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। एक और चीज जिसने मुझे डिसअपॉइंट करा, इसके अंदर है 625 का प्रोसेसर, नोट 4 के अंदर भी 625 का प्रोसेसर था, नोट 5 के अंदर भी 625 का प्रोसेसर है, तो ये कुछ खास अपग्रेड नहीं है इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो, और ये कोई अमेजिंग फैक्ट मुझे नजर नहीं आया। अगर नोट 5 से नोट 4 को मैं कंपेयर करता हूं तो लगभग सेम प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है, बल्कि एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो नोट 4 के अंदर 2GHz का प्रोसेसर था और नोट 5 के अंदर आपको 1.8GHz का प्रोसेसर मिलता है जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं Honor के 7X की तो बहुत ही कमाल का, मतलब प्रोज की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही कमाल का आपको इसके अंदर मिलने वाला है कैमरा जिसके अंदर आप बुके इफेक्ट ले सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड आपको, मतलब काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको अच्छी पिक्चर चाहिए तो डेफिनेटली आप Honor 7X के लिए जाइए। साथ में फोन की जो लुक है वो काफी प्रीमियम है, स्ट्रांग फोन है, देखने में काफी स्टनिंग लगता है, तो अगर आप प्रीमियम लुक लेना चाहते हैं, अच्छा कैमरा क्वालिटी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली 7X जो है वो काफी अच्छा ऑप्शन। एक और अगर प्रोस की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है किरिन का 659 का प्रोसेसर जिसके अंदर आपको i5 एक को प्रोसेसर मिलेगा, तो वो एक स्टैंड बाय में काम करता है, आप मल्टीटास्किंग जब करते हैं तो आपको लैग नहीं आने देता है, तो प्रोसेसर काफी अच्छा है किरिन का और बेंचमार्क के अंदर भी काफी आगे गया है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। दोस्तों क्रोन्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिलता है, तो अगर आप दो सिम यूज करते हैं तो इसके अंदर आप आगे मेमोरी नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेंचमार्क की। अगर बेंचमार्क की बात करते हैं तो Geekbench के अंदर जो स्कोर है वो लगभग दोनों का बराबर ही रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है। सिंगल कोर के अंदर जो है आपका Honor का जो फोन है उसके अंदर 976 का स्कोर रहा, लेकिन Redmi Note 5 के अंदर वो 876 का रहा है, तो Redmi Note 5 जो है सिंगल कोर के अंदर तो Honor से कम रहा है, लेकिन अगर मैं मल्टी कोर की बात करता हूं तो उसके अंदर जो स्कोर रहा Redmi Note 5 का 4338 रहा है, जबकि अगर मैं 7X की बात करता हूं तो वो 3575 रहा है। तो ऐसे में सिंगल कोर के अंदर Honor 7X का अच्छा स्कोर है, लेकिन मल्टी कोर के अंदर आपको Redmi का स्कोर काफी अच्छा मिलेगा। वहीं मैं अगर AnTuTu की बात करता हूं तो उसके अंदर Redmi 5 का जो स्कोर है
वो 76630 है। वहीं अगर मैं 7X की बात करूं तो उसके अंदर आपको 79347 मिलता है, तो लगभग एवरेज है। मैं थोड़ा सा Honor 7X का ज्यादा स्कोर है, लेकिन आप मान के चलिए कि लगभग इसको बराबर ही माना जाएगा। अगर मैं फाइनल कंपैरिजन की बात करूं तो Redmi Note 5 के अंदर आपको मिलेगी बिगर बैटरी और मोर स्टोरेज। वहीं अगर मैं 7X की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलेगा बेटर कैमरा, फास्टर CPU और स्लिमर और स्टनिंग डिजाइन। 1000 रुपये का फर्क है दोस्तों, आप चूज कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी फोन। ये थी मेरी राय और फेयर कंपैरिजन। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपको कौन सा फोन पसंद आता है दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और भी देखने हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन से फोन का आप आगे चाहेंगे कंपैरिजन। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।